मीडिया में एंकर ही है जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपनी डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, महंगाई डायन खायत जात है। दूसरा, मृत्यु ही अंतिम सत्य छुपाती सरकार। तीसरा, सॉरी पीएम, ऑक्सीजन संकट अकल्पनीय नहीं था। चौथा, कहां पल्स पोलियो, कहां कोरोना का टीका अभियान। और पांचवा, प्रधानमंत्री जी राज्यों की नहीं सेंटर की बात कीजिए। रवीश अक्सर अपनी डिबेट में जरूरी मुद्दे ही उठाते हैं। इस बार अपनी डिबेट में उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया और सरकार पर सवाल भी उठाए। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। इन समर्थकों को लोगों ने हल्के में ले लिया था, आज उन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि ऐसे ही तफरी में व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज रहे थे। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है, ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कब तक झेले पेट्रोल डीजल की मार। दूसरा, कांग्रेस मुक्त भारत यानी कि कांग्रेस युक्त बीजेपी। तीसरा, पेट्रोल के बाद डीजल अब एट 100। चौथा, MSP था, है और रहेगा लेकिन मिलेगा कब। और पांचवा, वैक्सीन पर देर आए दुरुस्त आए। कोरोना से अगर इंसान बच रहा है तो महंगाई की मार पड़ रही है। इसी मुद्दे पर बात संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में डीजल के 100 के पार पहुंचने पर की और सरकार से सवाल भी उठाए अपनी डिबेट में। तो अगर इतना ही चिंता है जनता की, ये बातें नाटक करने घड़ियाली आंसू बहाने इनको, तो क्यों नहीं स्टेट का कम कर देती। अच्छा, तो 2014 से पहले आप पोस्टर लगाकर सड़कों पर गैस सिलेंडर भी 225 रुपए बढ़ गए हैं। आपके तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरते थे, वो भी घड़ियाली आंसू थे, जब वादा करते थे, हमें सब्ज बाग दिखाते थे 35 रुपए पर पेट्रोल मिल जाएगा, तब अर्थव्यवस्था कुछ और थी, तब इकोनॉमिक्स कुछ और हुआ करती थी, ये कुछ और इकोनॉमिक्स है। हाँ, आज की अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है 2 साल पहले नहीं थी वो। आज की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल ग्लोबल प्राइस ये तीनों बदल गए। तब हमने अच्छा, 9 रुपए, एक मिनट गोपाल बाबू, 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी 2014 में पेट्रोल पर और दाम यही थे। आज हाँ। वो 32 रुपए 90 पैसे हो गई। 3 रुपए, 3.5 रुपए की एक्साइज लगती थी डीजल पर, आज वो हो गई 32 रुपए 80 पैसे। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार रमेश देवकर की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, असम मुख्यमंत्री के जनसंख्या बयान पर सियासत तेज, क्या कम बच्चे तभी देशभक्त सच्चे। दूसरा, कांग्रेस पर मंडराया सियासी संकट, क्या पार्टी को वाकई है सर्जरी की जरूरत। तीसरा, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का खेला और उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर पर महाबहस। चौथा, कोरोना वैक्सीन पर देश को भटकाने की साजिश, बड़े रोड़े हैं टीके की राह में। और पांचवा, वैक्सीन पर घिर गई कांग्रेस, निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने पर उठे सवाल। कोरोना के बाद देश में बड़ा मुद्दा महंगाई है, इस पर डिबेट करने की बजाय अमीश ने अपने डिबेट कांग्रेस पार्टी के बीच के तनाव को लेकर की। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में AICC की बैठक चल रही थी। राहुल गांधी तब कांग्रेस के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा, एक सोच, ये सोच हमारे दिल में है। लेकिन आज इस भाषण के करीब 8 साल बाद ये सवाल लाजमी हो गया है कि आखिर कांग्रेस के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग इस सोच से दूर क्यों चले गए हैं। क्या कांग्रेस वाली पुरानी सोच अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है जिसके चलते कई नेताओं ने कांग्रेस का छात्र छोड़ दिया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद ने क्यों पार्टी छोड़ी है, रीता भगुड़ा जोशी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा जैसे दिग्गज नेता इस सोच से क्यों दूर हो गए हैं, कांग्रेस पर संकट भारी, अब किसकी है भारी, आज आर पार में इसी पे बात। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, टूलकिट गैंग ने बनाई, कश्मीर तोड़ने की चैट वाली साजिश सामने आई। दूसरा, राशन पर रौर, केंद्र वर्सेस केजरीवाल के बीच सियासी आर पार। तीसरा, सिर्फ गांधी परिवार की धरोहर बनकर रह जाएगी कांग्रेस। चौथा, दीदी से मुलाकात, टिकैत ने बिछाई सियासी बिसात। और पांचवा, कोरोना काल में फेल, रचे ड्रोन वाली साजिश का नापाक खेल। देश में बढ़ती महंगाई पर बात करने की बजाय ऐश्वर्या कपूर ने अपनी डिबेट में विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं उनकी डिबेट। और पूछ रहा है भारत आज उस पार्टी से, पूछ रहा है भारत आज उस राजनीतिक दल से, पूछ रहा है भारत आज उस संगठन से जिसने भारत पर सबसे ज्यादा राज किया, जिसने भारत को आजादी के बाद से लेके आज तक अपना हक समझा, जिसने ये समझा कि भारत की राजनीतिक गद्दी यानी उनकी, उनका हक जनता को कुछ नहीं, लेकिन वो जब चाहे जो चाहे जैसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो उनका पैदाइशी हक है। लेकिन ये गलत है और ये भारत की जनता ने आज नहीं 2014 में साफ कर दिया था कि भारत किसी की जागीर नहीं है। आपने अब खुद ही देखा कि कौन आपके लिए किन मुद्दों को जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही कोई अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और अधिक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।